नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहिबं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणप लख हो हित एक न चलै नाल केव सचियारा होइया केव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने नीसाण गावै को गुण वडियाईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेहे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथरा कथी न आवै तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे परवाह साचा साहिब साच नाहे भाख्या पाव अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अगै रखी है जित दुसै दरबार मुहाओ के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना ओढ़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथनो न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नहावा जे तिस भावा विण भाणे के नहाए करी जेती सेठो पाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीर्त जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुणे गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोय करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तबल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सुख काल नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया ईश्वर वर्मा इंदो सुनया मुखसा लहण मन दो सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया सत संतोख ज्ञान हो सुनया अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावै राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਰਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਨੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਹੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀ ਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋਹ ਭਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲੇਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਓ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਯੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਉ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਹੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ
केतिया गणत नहीं विचार, केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए, होर आख न सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाणै जेतिया मोहे खाए, आपे जाणै आपे देहे, आखै से पे के ई केहे, जिस नो बक्से सिफत सालाह, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवहै मुल लै जाहे, अमुल पाए मुल असमाहे, अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रवान, अमुल बख्शीस मुल नीसान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिव लाए, आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करह बखियान, आखै बरमे आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद, आखै ईश्वर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध, आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मुन जन सेव, केते आखै आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करेहे, ताख न सकै के ई केहे, जेवड़ पावै तेवड़ होए, नानक जाणै सचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़, ता लिखिया सिर गावारा गावार, सो दार केहा सो कार केहा, जित भै सर्व संभाले, वाजे नादन एक असंखा, केते बावन हारे, केते राग परिस्यव कईन, केते गावन हारे, गावे तोनो पौन पानी बै संतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंदे दासन बैठे देवत्या दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहने, सुरगा मच पयाले, गावन रत्नों पाए तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महा बलसूरा, गावे खान इंचारे, गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे, से ही तुदनो गावे जोत पावन, रते तेरे भगत रसाले, और केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिनो पाई, कर कर वेखा कीता अपना, जिव तिस दी वड़ियाई, जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाहो साहा पात साहिब, नानक रहन रुजाई, मुंदा संतोख सरमपद चोली, ध्यान की करह विभूत, चिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीता जग जीत, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहते, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरासाद, संजोग विजोग दो एकार चलावै, लेखे आवै भाग, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण, जिवत सभावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान, ओह वेखै उन्ना नदर न आवै, बहुता एहो विडाण, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय भंडार, जो किश पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी भाव लख हो, लख होवै लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीश, ए तुराहे पत पवड़िया, चढ़िया होए कीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा या ईरीस, नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राजमाल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीए जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै नीसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जा पै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काड़त कड़िया है, रूप रंग के वेश,
केतिया कर्म भूमि मेर केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोट आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िया सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता मैं ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरहे न ठागे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे तिथे भगत बसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड बसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथे लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तपताओ भांडा पाओ अमृतो तिताल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सकल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लगे गुर सिखा मन मिठा
आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाद, जुग जुग एको वेश, आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाद, जुग जुग एको वेश, आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाद, जुग जुग एको वेश, आदेश तिसे आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश। मुंदा संतोख शरम पत चोली, ज्ञान की कर है विपूत, मुंदा संतोख शरम पत चोली, ज्ञान की कर है विपूत, मुंदा संतोख शरम पत चोली, ज्ञान की कर है विभूत, संतोष शरम पत चोली, ज्ञान की कर है विभूत, पिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा परतीत, सगल जमाते मन जीते जग जीत, आई पंथे सगल जमाते मन जीते जग जीत, आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाद, जुग जुग एको वेश, आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाद, जुग जुग एको वेश, आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश।
प्यास से बोलो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, आदेश तिसे आदेश, आदेश का भाव है नमस्कार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाछा कह रहे मैं नमस्कार करता हूँ उस परम एक शक्ति को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल, आद कहते हैं जो आदि से है, अनिल बेदाग है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनाद अनाथ जुगों से और जुगों से पहले से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जुग जुग एको वेश, और हर जुग में वो एक ही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अनेकता में देखते हैं, गुरु नानक पाछा एक में देखते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, गुरु नानक पाशा कहते हैं कि लोग कहते हैं एक भोजन देने वाला है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक संसारी जो संसार की उत्पत्ति करता है, एक भंडारी जो भोजन देता है, और एक जो मौत देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, गुरु नानक पाशा कहते हैं इसका गहरा भाव समझो। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, हमने तीन बना दिया, गुरु नानक पाशा कहते हैं एक संसारी एक ही है, वो एक भंडारी एक लाए दीवान वो एक ही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, वो एक ही परम शक्ति है, जिस जीव तिस पावे तिवे चलावे, जीव होवे फुरमान, जैसी उसकी मर्जी है वैसे वो चलाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर थोड़ी सी गहराई से विचार करेंगे ना, तो इन पंक्तियों का जो भाव है, आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, इन पंक्तियों का भाव पता क्या है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये क्या है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, ये क्या है? ये परमात्मा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परमात्मा को कहा गया है, ये पंक्तियां केवल परमात्मा के लिए है, सृष्टि का मालिक। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आद से सच है, जुगों से सच है भी सच, जब जुग नहीं शुरू हुए थे तो उससे पहले से सच है, आद सच, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भी सच है, आगे भी होगा, कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये परमात्मा है, इसके गुण क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप श्रवण कीजिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपा निर्वै अकाल मूरत अजूनी सभंग, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी से भंग तक ये इसका स्वरूप है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना साथ में कि मूल मंत्र है क्या, आज पता चल जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले समझे मूल मंत्र, मूल मंत्र का भाव क्या है। मूल किसे कहते हैं? बेस को, बीज को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां से सबकी उत्पत्ति शुरू होती है, बीज, मूल, मूल क्या है? परमात्मा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उत्पत्ति कहां से हुई? परमात्मा से, मूल परमात्मा। मंत्र का भाव क्या होता है? ज्ञान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंत्र का भाव होता है ज्ञान, मूल मंत्र परमात्मा का ज्ञान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूल मंत्र परमात्मा का ज्ञान, अब मूल क्या है? शुरुआत कहां से हुई? एक ओंकार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद जब आज सच जुगा सच, ये नहीं है मूल मंत्र,
ध्यान से समझना बात को, एक ओंकार से लेकर अजूनी साहेब बन तक यह परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का ज्ञान है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहेब भंग, यह परमात्मा का ज्ञान है। एक ओंकार का मतलब दास शॉर्ट में लेके आगे बढ़ेगा, एक ओंकार का मतलब वो एक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत नाम सच है, कर्ता पुरुष सारे संसार का कर्ता, कर्ता धर्ता केवल वही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्भव किसी का डर नहीं उसे, निर्वैर किसी से बैर नहीं उसे, अकाल मूर्त वो काल में नहीं है, ना जन्मता है ना मरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये परमात्मा के गुण है ये जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इस वक्त। अजूनी सहभंग अपने आप प्रकट हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहभंग न जोनी में है पर स्वयंभंग है, किसी ने उसे जन्म नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आगे आता है गुरुप्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार से लेके अजूनी सहभंग तक ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का ज्ञान है। पर अब यहां पे सवाल ये उठता है, मिलेगा कैसे? एक ही तरीका है, गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी कृपा, उसका तरस, उसकी रहमत, उसकी मेहर, बस। पर वो होगी कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसका तरस चाहिए, उसकी मेहर चाहिए, उसकी रहमत चाहिए, वो कैसे होगा? वो है क्या? आदि सच। सीधा नहीं कहा, क्या कहा है? जप। किसे? आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आदेश तिसे आदे, आदेश तिसे आदे, आद अनिल अनाद अना, जुग जुग एको वेश। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अना, जुग जुग एको वेश। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूल मंत्र परमात्मा का ज्ञान, ये जितने भी इसके गुण हैं, कैसे मिलेगा परमात्मा? गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा कैसे होगी? जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपे बिना नहीं होगी, मिलेगा तभी जब वो चाहेगा, जब उसे तरस आएगा। तरस कब आता है? बहुत बार ये बात आई, कोई आदमी ऐश परस्ती में लगा उस पर तरस नहीं आता, कोई आदमी खराटे मार के सो रहा उस पर तरस नहीं आता। तरस किस पे आता है? जो मेहनत कर रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात रात भर जागकर सिमरन कर रहा हो, मन को मार कर उसे याद कर रहा हो, उस पे तरस आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपना केवल इसलिए है कि उसे तरस आ जाए, क्योंकि मिलेगा कभी? तरस पया मेहर आमत होई, पहले तरस आएगा फिर मेहर होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मूल मंत्र इसकी ताकत, ये गुरु नानक का मंत्र है, मूल मंत्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली पंक्ति मूल मंत्र, पहली पौड़ी मूल मंत्र श्री जपजी साहिब जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहता है गुरुप्रसाद तक है, कोई कहता है नानक होसी पीसस तक है। जहां तक जपना है जपो, पर जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाद विवाद में मत पढ़ो, एक एक अक्षर मंत्र है वाणी का, तो एक ओंकार ही जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाद विवाद में मत पढ़ो, जपो बस। जहां तक संतुष्टि मिलती है वहां तक जपो, आगे वाणी ही है पूरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी प्रेम की बात है। बाबा नानक सिंह जी कहते थे, जब नानक नहीं आया
तो प्रेम कहाँ से पैदा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नानक होसी भी सच। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने कहा है कि नानक होसी भी सच तक मूल मंत्र है। ये अलग बात हो जाएगी, इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। एक नाम आया है किताब का, एक ओंकार गुरुप्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसमें घटना अंकित है, इस किताब को लिखा है डीजीपी चहल ने। डीजीपी चहल महापुरुष ये घटना सुना रहे थे, एक बड़ी प्यारी घटना है। कहते डीजीपी चहल, इसने ये घटना लिखी अपनी किताब में। डीजीपी बहुत बड़ा लेवल होता है पुलिस में, आप लोगों को पता होगा, बहुत हाई रैंक होता है। कहने लगा मेरी पोस्टिंग होगी वृंदावन में। वृंदावन में पोस्टिंग हो गई, जहां पर पोस्टिंग हुई वहां पर एक संत रहते थे, हिंदू सनातन धर्म के संत। कहने लगे बहुत कमाई थी उनकी, प्रधानमंत्री से लेकर सारा कैबिनेट मिनिस्टर का बारी बारी से उनसे मिलने आता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनसे कुछ ना कुछ पूछने, उनसे ज्ञान लेने, उनसे रास्ता पूछने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मेरी सिक्योरिटी की ड्यूटी लगती थी बार बार, क्योंकि कोई आ रहा है वीआईपी तो मुझे ध्यान देना पड़ता था। मैंने बहुत बार देखा कि इतने बड़े बड़े लोग इनके पास आते हैं, तो मेरे मन में भी आया मैं भी इनसे कुछ ले लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डीजीपी चहल एक सिख, गुरु नानक का सिख, अपनी किताब में ये लिखते हैं कि मैं कैसे सिख होते हुए भी गुरु नानक से कितना दूर था और कैसे मैं गुरु नानक के चरणों से जुड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे जब सबको मैंने आते जाते देखा, वहां पर लोगों की लाइन लगते देखी, बड़े बड़े मिनिस्टर प्रधानमंत्री तक वहां पर आते, तो मैं भी चला गया अंदर। मैंने कहा मेरी झोली में भी खैर डालिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो संतों ने कहने लगा मेरी तरफ देखा, देखकर कहने लगे जो बात कही वो ध्यान से सुनना, ये कोई पूरन संति कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जो ढोंगी होती है वो तो खुश होते हैं जितने ज्यादा लोग आए, पर जो सच्चे होते हैं उनका काम कुछ और होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे चहल साहब, गुरु नानक के सिख होकर मेरे आगे झोली फैला रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डीजीपी चल कहने लगा ऐसी बात मैंने आज तक नहीं सुनी थी। मैं स्तब्ध रह गया कि मैं क्या जवाब दूं। फिर मैंने हाथ जोड़े, अपने आप को संभाला और कहा कि आप इतने लोगों पर मेहर करते हो, सबको झोली भरते हो, तो मेरी झोली में भी कुछ डाल दो। तो सनातन धर्म के महापुरुष क्या कहते हैं, कहने लगे तुम्हें अपने गुरु नानक पर विश्वास नहीं, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे पास क्या है। ठीक है मुझसे कुछ चाहते हो तो पेपर और पेन निकालो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तुम्हें वो चीज देता हूं जिसे पाने के बाद जब तुम उसका जाप करोगे तुम्हारा आज के बाद कोई काम नहीं रुकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरक्की ही करोगे, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, और फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा गुरु नानक कौन था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन है गुरु नानक? और पेन पेपर पकड़ाया और क्या कहा उन सनातन महापुरुषों ने, श्रवण कीजिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सपंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शर्मिंदा कर दिया और ज्ञान दे दिया मूल मंत्र का। कहने लगे इसे जपो चैल जी, इसे जपो, आपको पता चल जाएगा गुरु नानक कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पुराने महापुरुषों की निशानी होती है सत्संग जी। बाबा नंदसिंह जी के पास कोई मुसलमान आता था उसे तस्बीह देकर माला देकर कहते थे अल्लाह अल्लाह करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई हिंदू वीर आता था, भाई आता था, कहते थे राम राम की माला जपो। वजह क्या है? महापुरुष समझाते थे एक बूटा कहीं पे लगा हुआ है, उसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगाओगे
क्या पता फले ना फले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां पर लगा वहीं पर सींच दो, पानी दे दो, खाद दे दो, जोड़ दो जहां पर जो जुड़ा हुआ है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना। महापुरुष जहां पे कोई जुड़ा होता है उसे तोड़ के अपने से नहीं जोड़ते, जहां जुड़ा होता है वहीं जोड़ देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डीजीपी चहल जी लिखते हैं, उस दिन के बाद मूल मंत्र का जाप शुरू किया और तब एहसास हुआ कि गुरु नानक ने क्या दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आदेश तिसे आदेश, नमस्कार है उस सृष्टि के मालिक को, नमस्कार। आओ पंक्तियां पढ़े। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद जुग जुग एकोवेश। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश। से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मूल मंत्र, मूल मंत्र की ताकत। एक्चुअली मैं चाहकर भी पूरा बयान नहीं कर सकता इसकी ताकत को, कोई भी नहीं कर सकता। ये तो दास आपको घटनाएं सुना रहे हैं, वो जो पढ़ी हैं सुनी है लोगों से, और अगर पर्सनली भी बात करूं मूल मंत्र की ताकत का व्याख्यान नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आपके पास मूल मंत्र है, आपकी हवा तक को कोई नहीं देख सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहते हैं ना, जाम गुरु है वल लख बाहें क्या की जाए, गुरु कैसे वल होगा। मूल मंत्र, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आप जप रहे हैं मूल मंत्र, गुरु आपकी तरफ खड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंह साहब ज्ञानी सरबजीत सिंह जी को यह घटना सुनाई, उन्होंने ये घटना सुनाई है, बड़ी कमाल की घटना है, दुबई की। कहते हैं दुबई में एक सरदार जी के ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बिजनेस इतना बढ़ गया कुछ ही समय में कि आसपास वाले आपको पता ही है, फिर जो वहां के शेख थे, मुसलमान थे, उन्हें उनसे ईर्ष्या हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेम बिजनेस, वो कई सालों से हैं, ये अभी अभी आए और इतना तरक्की कर गए ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या हो गई तो उन्होंने क्या किया, बाहर से एक तांत्रिक को बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो काला इलम जानता है। तो बहुत सारे लोग इन चीजों को मानते हैं, काले इलम को। तांत्रिक को बुलाया कि ऐसे ऐसे तकलीफ है, मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे देखा नहीं जाता। एक बहुत बहुत बड़ी खास बात है, यहां पे दुबई में दास दुबई कीर्तन करके आया है गुरु की कृपा से। वहां पर इतने सख्त कानून है कि आप ऐसी कोई काम कर ही नहीं सकते। यहाँ पे तो खुलेआम होता है ना, बंगाली बाबा इसका सवार दो, उसका बिगाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। वहां पर ऐसे कानून है, आप ऐसी बात भी नहीं कर सकते।
आप किसी भी धर्म के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कह सकते बुरा। अपने गुरु की जितनी मर्जी उस्तत करो, दूसरे के धर्म की निंदा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने की, आप कोई भी हो सीधा जेल में डाल देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये कानून सिंगापुर में भी है, मैं तो कहता हूँ भारत में भी ये कानून बन जाना चाहिए। ये जितने भी झगड़े फसाद होते हैं इस वजह से हैं कि दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करो ना अपने गुरु के उस्तत, सबसे बड़ा सतगुरु नानक हम कहेंगे, पर दूसरे को छोटा कहने की क्या जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये तो है भी मूर्खता, हर एक के लिए अपना गुरु बड़ा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप उसका सत्कार नहीं करोगे, वे आपका कैसे करेगा। बहुत अच्छा कानून है ये, इसीलिए उसने तांत्रिक बाहर से बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होटल में ठहराए उसे और उसके मिलने चले गए कि ये तकलीफ है, आपको जितने पैसे चाहिए ले लो, इसके बर्बाद हो जाने चाहिए, ये जो सरदार जी ट्रांसपोर्ट वाले हैं खत्म हो जाने चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तांत्रिक कहने लगा, मुझे 3 दिन का समय दे दो, ऐसा इलम छोड़ूंगा मैं काले जादू का कि इनके घर में अपने आप चीजों में आग लगनी शुरू हो जाएगी, ट्रक पलटी होने शुरू हो जाएंगे, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे, 3 दिन में ही बर्बाद हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये खुश हो गया। 3 दिन हो गए, जो गया उनसे मिलने, कहने लगा वो तांत्रिक कहने लगा मैंने सब कुछ कर दिया है, अब जाकर देख कर आओ क्या हाल है उनका, बर्बाद हो चुके होंगे। ये गया वहां पे उनके ऑफिस में जाके बैठा पता करने के लिए, तो उन्होंने बुलाया आओ शेख साहब बैठिए, चाय वगैरह पूछी, तो बातों बातों में पूछ रहा है पता करने के लिए कि कैसा काम चल रहा है, कोई नुकसान होगा तो पता चल जाएगा, पर ऐसी कोई बात ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टा एक आदमी अंदर आया, उसने कुछ कागजात दिए जिसमें ये पता चला कि 4 ट्रक आज नए और लिए इन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये परेशान हो गया, इसको मिठाई खिलाई खुशी से कि 4 ट्रक और लिए, ये मिठाई किसी तरह तो खा ली इसने, दौड़ कर गया होटल में, तांत्रिक को पकड़ा, मेरे पैसे वापस दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तांत्रिक कहता है ऐसा हो नहीं सकता, आज तक मेरा इलम खाली नहीं गया, तुमने इतनी दूर से मुझे बुलाया, कोई कारण है। लोग मेरे को दूर दूर से फ्लाइट की टिकट देके बुलाते हैं किसी को बर्बाद करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात समझ लेना साध संगत जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी ये सब करते हैं मुझे पता है, एक बात समझ लेना, वेदों शास्त्रों को पढ़ के जितनी मुझे समझ आई, जो मुझे आज तक पढ़ के समझ में आई, जो मुझे समझ आया, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जो ऐसे काम करते हैं या जो ऐसे काम करवाते हैं दोनों, इनकी मरने के बाद बड़ी सख्त सजाएं हैं। क्या है पता है? इन्हें प्रेत की योनि मिलती है, वो भी 1000 साल तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1000 साल तक ये सजा मिलती है, उसकी वजह है ये काला इलम होता क्या है, आत्मा को काबू किया होता है, बुरी आत्मा को, उनसे काम करवाते हैं, और जब ऐसे काम करने वाले मरते हैं इनकी आत्मा को भी काबू करके फिर वही काम करवाया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भटकते हैं फिर, और ये सजा बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। ये अगर इसको बताने लग जाऊं कि भूत प्रेतों का हाल क्या होता है उनकी आत्माओं का, तो उसके लिए अलग 1-1.5 घंटा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गुरु मेहर करेगी ना, कभी ऐसा किसी के बारे में सोचना, सिंपल सी बात है। मैं तो ये सब बातें छोड़ के एक छोटी सी दास बात कहता है, जब तक दूसरे का बुरा सोचेंगे अपना भला कभी नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी भी नींबू मिर्ची तक अपनी दुकान गाड़ी घर पे मत लगाओ, ये क्या होता है, क्या करते हो, सोच देखो ना, नींबू मिर्ची वाले की सोच क्या, कि मेरा भला टल के जमीन पे फेंकेंगे, दूसरा ऊपर से जाएगा उसके ऊपर चली जाएगी। और जब तक ये सोच है, वाणी कहती है जब तक पर का बुरा ना रखो चीत तुमको दुख नहीं भाई मित, शब्द पढ़ा था हमने थोड़े दिन पहले, जब तक हम दूसरे का बुरा सोचेंगे वाणी कहती है तेरा भला हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेले ट्रस्ट का आदमी हो, अमृत वेले ट्रस्ट से जुड़ा हुआ, अमृत वेले उठने वाला, उसे तो नहीं शोभा देता नींबू मिर्ची लटकाई हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ नहीं होता, और ऐसे में होता भी कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही है। मैं तो 1-2 बार नींबू निचोड़ के पी भी गया हूँ, जरूरत पड़ी थी, मजाक नहीं कर रहा, गुरुसेव जी की हजूरी में कह रहा हूँ। मेरे मित्र, हमारे सब ट्रस्टी बैठे थे, किधर बैठे थे, नींबू नहीं था,
सामने टंगा हुआ था ताजा ही, तो मैंने कहा ले आओ। तो एक दो जन तो घबराए, मैं बोला मत घबराओ आज करके देख लो, काट के निचोड़ के खा गए। बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दो पंक्तियां पढ़ ली मैंने। आदेश तिसै आदेश, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाद, जुग जुग एको लेश। आदेश तिसै आदेश, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाद, जुग जुग एको लेश। आदेश तिसै आदेश, आदेश तिसै आदेश। वो तांत्रिक कहने लगा ऐसा हो नहीं सकता, वो कहने लगा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता, मुझे उनके पास ले चलो। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। वो तांत्रिक को ले गए उसके ऑफिस में। वो कहने लगा ये मेरे मेहमान आए, मैं आपसे मिलाने ले आया हूँ, बहाने से ले आया शेख। वो सरदार जी कहने लगे आइए आइए बैठिए, आपके मेहमान हमारे मेहमान। पर वो तांत्रिक ने जैसे ही पांव दुकान के अंदर रखने की कोशिश की, इतनी जोर से उसे झटका लगा, क्योंकि नियत छोटी थी ना। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। पीछे होके झटका खा के पीछे हो गया, हैरान हो गया, स्तब्ध हो गया। इसने सवाल किया, सरदार जी एक बात सच सच बताओ। तांत्रिक ने खुलकर सारी बात बताई। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक कि आपके पास कौन सा इलम है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। वो कहने लगे इलम क्या बात कर रहे हो। फिर तांत्रिक और उस शेख ने सारी बात बताई कि हमने ऐसा सोचा था पर आपके साथ हुआ नहीं। खुल के बताई कि मुझे आपसे ईर्ष्या हो गई, मेरे मन में गलत भावना आ गई, मैंने कोशिश की करने की पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और ये तांत्रिक कहता है ऐसा हो नहीं सकता। वो तांत्रिक पूछता कौन सा इलम है। कहने लगा भाई इलम क्या होता है, हमें तो इसका भी पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे फिर आप किसको मानते हो, क्या करते हो। तो उन्होंने कहा हम गुरु नानक को मानते हैं, हम गुरु नानक के सिख हैं, उसका दिया हुआ मूल मंत्र जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उसने कहा मुझे पढ़ के सुनाओ क्या जपते हो। तो जब उन्होंने पढ़ा एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जब नानक का नाम आया साथ संग जी, ये घटना इतनी बार इतनी अलग अलग जगह पर हुई है ऐसी घटनाएं, पर जब नानक का नाम आता है तो तांत्रिक ने हाथ जोड़ दिए। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। कहने लगे जिस ये बात ना सत्संग जी बहुत बार आई है, बहुत बार। कहने लगे जिस गुरु ने मुझे इलम दिया था उसने कहा था जहां पर एक याद रखना, जहां पर नानक का नाम लेवा सीखो गुरु नानक का, जहां पे नानक आ जाए वहां पर तेरा इलम काम नहीं करेगा, वहां पर कोशिश भी मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मत डरो इन चीजों से, बस मूल मंत्र को पकड़ लो और मूल मंत्र की बढ़ियाई एक और समझ लो। कोई मूल मंत्र का अभ्यास करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। महापुरुषों के वचन है, मैंने अभी तक इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, जो सुना है वो बता रहे हैं कि हृदय में उल्टा जो कमल है वो सीधा हो जाता है मूल मंत्र जपने से। एक बात को समझ लेना, मूल मंत्र जपोगे दिन रात पर आखिर में जब हृदय में चलेगा ना वो वाहिगुरु सिमरन ही चलेगा। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। ये एक दूसरे के साथ हैं वाहिगुरु मूल मंत्र, चाहे वाहिगुरु जपो चाहे मूल मंत्र जपो। मूल मंत्र जपने से हृदय का कमल सीधा हो जाता है, फिर हृदय में वाहिगुरु शब्द का जाप शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, दान गुरु नानक। जन्म साखी की घटना आती है गुरु नानक पातशाह। ये लंबी घटना था, शॉर्ट में खत्म करके आगे बढ़ेगा। जब गुरु नानक पातशाह ने जादूगरनियों के देश में जाकर भाई मर्दाना जी को छुड़ाया था और उन्हें बख्शा था
तो जादूगर ने नूर शाह ने माफी मांगी थी, बख्श तो हमसे भूल हो गई, आपके ऊपर जादू टोना किया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने लगे आगे से तुम ये सब नहीं करोगे, ये बंद कर दो। तो नूर शाह ने कहा कि हम भी तो निरंकार के हुक्म में ही हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा मुस्कुरा पड़े। तब नूर शाह ने माफी मांगते हुए कहा था एक वचन मैं आपसे देती हूँ, जादूगरनियों के प्रदेश की रानी ने वचन दिया था, ये घटना जन्म साखी में लिखी हुई है, एक वचन देती हूँ। गुरु नानक पाशा से कहा था कि जहां पर भी आपका नाम लेवा सिख होगा, जो आपको मानता होगा, जो नानक नाम लेता होगा, उसके ऊपर हमारे जादू टूने मंत्र कोई असर नहीं करेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए ये घटना बार बार जब आती है ना, जब बार बार आती है, हर मांत्रिक हर तांत्रिक हर पीर ये बात कहता है कि जहां नानक का नाम आ गया वहां पर हमारी बल नहीं चलता, ये तब से है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ खुद बीती है जो यहाँ बतानी सही नहीं लगती, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस इतना कह सकता है दास गुरु साहब जी के हजूर में हाथ जोड़कर, अगर आपके पास मूल मंत्र है, वाहेगुरु मंत्र का जाप है, कोई जादू टोना चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, विश्वास रखो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़ लें, शब्द दे। आसन लोए पंडा जो कि छिपाया सोए कावा, आसन लोए पंडा जो कि छिपाया सोए कावा, आसन लोए छिपाया सुने कावा, आसन लोए लोए पंडा जो कि छिपाया सुने कावा। इन पंक्तियों के बड़े प्यारे अर्थ हैं, आसन लोए लोए पंडार जो कि छिपाया सो एकावा। सृष्टि के मालिक की रचना देखो, गुरु नानक पाशा कहते हैं कि सृष्टि में एक ही बार जो डालना था डाल दिया, आज तक खत्म नहीं हो रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितने खा खा के मर के चले गए, यूज कर करके चले गए, कभी किसी चीज की कमी नहीं, किसी पदार्थ की कमी नहीं। लोग कहते हैं पेट्रोल खत्म हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भोजन एक टाइम पे कितने लोग खाना खाते हैं अंदाजा लगाइए, ये जो लोग भूखे रह जाते हैं उसकी वजह हम उनसे छीनते हैं, वो सबको देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आसन लोए लोए पंडार जो कुछ पाए सो एक बार, कर कर वेख है सेजनहार, नानक सच्चे की साची का। आसन लोए लोए पंडार जो कुछ पाया सो एक बार, कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची का, कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची का। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाद, जुग जुग एको वेश, आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाद, जुग जुग एको वेश, आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समा हो गया है, प्रकरण तो बहुत बाकी है। 5:11 मन था कि आज मूल मंत्र को क्या है अच्छे से हृदय में प्रवेश कर जाए ताकि मन करे जपने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम लालची लोग हैं ना, फायदा देखेगा वो काम करेंगे। गुरु नानक पातशाह को भी पता है लालची लोग है, इसलिए फायदा दिखाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फितरत है हमारी, फायदा देखेगा तो ही करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि गुरु ने कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल वो लोग इसलिए करते हैं गुरु ने कहा है जो गुरुमुख होते हैं। हम मनमुख हैं, हमें लाभ दिखाओ, अमृत ले उठेंगे क्या मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा स्कूल जाता है, कहते हैं ना स्कूल जाकर क्या मिलेगा, टॉफी मिलेगी, फिर स्कूल चला जाता है। हम अभी तक बच्चे ही हैं, आध्यात्मिक तौर पर तो बच्चे ही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 60 साल के 70 साल के 50 साल के हम सब बच्चे हैं। आज भी किसी को अमृत ले उठो क्या मिलेगा भाई साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए ये सब बताना पड़ता है, वरना इन सब चीजों की जरूरत क्या है, इन दृष्टांतों की, इन कहानियों की जरूरत क्या है। गुरु ने कहा इतना काफी नहीं है कि जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घटना तो बहुत सी है, पर एक छोटी सी पुरानी घटना लेकर दास समाप्ति करेगा। ये बड़ी प्रचलित घटना दास बहुत बार पहले बता चुके हैं, पर संगत नहीं है। छोटा बच्चा गुरुद्वारे में खेल रहा है, स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है। ज्ञानी जी देखते हैं रोज स्कूल की ड्रेस पहन के एक बच्चा गुरुद्वारे में खेलता रहता है। उसे जाके पूछा, भाई तू स्कूल की ड्रेस पहन के आता है, स्कूल क्यों नहीं जाता। चुप रहा पहले, फिर जब बार बार पूछा तो कहने लगा, मैं घर से तो स्कूल के लिए निकलता हूँ पर स्कूल जाता नहीं, यहाँ खेलता रहता हूँ। पूछा क्यों, टीचर मारती है बहुत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों मारती है, क्योंकि पढ़ाई मेरे दिमाग में जाती नहीं, वो जो समझाती है मुझे समझ में नहीं आता, फिर वो बहुत मारती है, तो मैं डर के मरे जा ही नहीं रहा। घर से तैयार होकर आ जाता हूँ, गुरुद्वारे में खेलता रहता हूँ। ज्ञानी जी थोड़े ज्ञान वाले थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, उसका जाप कर ले, टीचर तुझे नहीं मारेगी। और उसे दिया क्या, क्या दिया, एक कौन का सतना करता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी शैवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। बच्चे ने याद कर लिया, स्कूल गया जपते हुए पढ़ते हुए, सच में टीचर ने नहीं कहा डांटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका विश्वास बढ़ गया, अब जपते जा रहे कि मैं मूल मंत्र जपता हूं तो टीचर मारती नहीं डांटती नहीं। विश्वास बढ़ गया, जपते जा रहे दिन रात। ये समा टाइम निकल गया। ये गुरुद्वारा पाकिस्तान का, घटना पाकिस्तान की। काफी समय बीत गया, एक बार यहां से एक डेलीगेशन राष्ट्रपति को मिलने गई, राष्ट्रपति जनरल अयूब खान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंडिया से डेलीगेशन वहां गया, उनमें कुछ सिख भी थे। जब उसके उनके घर में राष्ट्रपति के ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रहे हैं तो सामने देखा एक फ्रेम में उर्दू में मूल मंत्र लिखा हुआ है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो भी सोने के अक्षरों से। तो जिसे उर्दू आती थी उसने पढ़ लिया और पूछने लगा कि ये तो मूल मंत्र है, आप मुसलमान हो, ये यहां पर क्यों लगा के रखा है फ्रेम में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राष्ट्रपति अयूब खान क्या कहते हैं, कहने लगे मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मेरे लिए ये वो कलाम है जिसने एक बेवकूफ बच्चे को इस देश का राष्ट्रपति बना दिया, एक मूर्ख बच्चे को जिसके दिमाग में पढ़ाई जाती नहीं थी, जो पढ़ता था याद नहीं होता था, टीचर मारती थी, किसी ने मुझे ये दिया ये कलाम, उसे पता ही नहीं है क्या है, उन्हें वो कलाम समझते हैं इसे मूल मंत्र को, इसे पढ़ पढ़कर मैं आज पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरे मुझे पता नहीं था क्या है, पढ़कर राष्ट्रपति बन गया, हमें तो पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक,
जपो, गाड़ी चलाते हुए आते जाते श्वासों में बसा लो मूल मंत्र को, ऐसे बसा लो कि नींद में भी चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आदेश तिसे आदेश, नमस्कार है किसे, आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। पूरा रास्ता बताया मूल मंत्र में कि प्रभु है क्या, प्रभु मिलेगा कैसे, उसकी कृपा कैसे होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा मूल मंत्र है, उसके गुण है, जब ये जपेंगे उसके परमेश्वर के गुण अंदर आने शुरू हो जाएंगे। जो सच नहीं बोलते सच बोलना शुरू कर देंगे, सतनाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे गुण है, कर्ता पुरख, सारे संसार का कर्ता। उसकी सृष्टि में एक भी अवगुण निकाल के दिखा दीजिए। जब मूल मंत्र जपेंगे ना हम अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुण आ जाएगा, उसकी सृष्टि में एक भी छोटे से छोटे गलती निकाल के दिखा दो, जो हमें लगे गलती है कल बोलेंगे नहीं वो ठीक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नहीं है, एक दृष्टांत बड़ा प्यारा। एक आदमी जा रहा है, देखता है कि इतनी पतली पतली बेलों में कलिंगड़ लगे हुए, कहता है भगवान कमाल है इतनी पतली बेलों में इतनी बड़ी कलिंगड़। और पेड़ के नीचे से गुजरता, कहता है भगवान तेरी माया, तुझे इतना ज्ञान नहीं भगवान, इतने बड़ा पेड़ है, इतनी मोटी टहनी, छोटे छोटे आम लगा के रखे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आम टूटकर सर पे गिरता है, कहता है हे भगवान तू जो करता है सही करता है, अगर यहाँ कलिंगड़ लगा होता मेरा सर फट जाता। कहने का भाव, उसकी सृष्टि में कोई भी मिस्टेक नहीं है, हर काम उसका परफेक्ट है, वो करता है, कर्ता पुरख। महापुरुष वचन करते थे जब मूल मंत्र जपते हैं सारे गुण हमें प्रवेश करने शुरू कर जाते हैं, हम अपने काम में पूर्ण नहीं है, पीछे हैं, अधूरे हैं। जब ये मूल मंत्र जपेंगे काम में परफेक्ट हो जाएंगे अपने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दो लोग होते हैं एक ही फील्ड में, एक एकदम ऊंचा होता है एकदम नीचे। ऊंचा कौन होता है? जो अपने काम में परफेक्ट है। नीचे कौन है? जो अनगहला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूल मंत्र आपको कहां से कहां पहुंचा देगा आप सोच भी नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। ये मूल मंत्र हमारे हृदय में उकर जाए, जैसे वो फ्रेम में लिखा हुआ था ना, हृदय में लिखा जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सैभव गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाद जुग जुग एको वेश, आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद जुग जुग एको वेश, आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल आदेश 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 तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश।
अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आदेश तिसे आदेश आदेश तिसे आदेश ओ आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आदेश तिसे आदेश आदेश तिसे आदेश। किन्ना दिता है तू रब्बा किवें जिक्र करावे हर दम हर वेले तेरा शुक्र करा मैं शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा सारे शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा सब तेरा शुक्र करा कुछ भी नहीं मेरा शुक्र करा कण कण विच तेरा शुक्र करा इसदा है बसेरा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा कभी बाज बेंती चौपाई हमरी करो हाथ दर अच्छा पूरन हुए चित की इच्छा तो चनन बन गए
मिलन दा वेला, मिलन दा वेला।
जी का खालसा वाहिगुरु जी की। मंगणा गुरु जी हमारे दिल की बात जान लेते हैं और हम हर समय उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि करूं शुक्रिया गुरु जी सदा तेरा, करूं शुक्रिया गुरु जी सदा तेरा, करूं शुक्रिया गुरु जी सदा तेरा, करूं शुक्रिया दर्जा दी दवाई तू
तेरा, नहीं मुझ में कुछ मेरा। लेकिन किन के? उनके जो गुरु जी का, हाँ उनके जो गुरु जी का नित सुमिरन करते हैं। उनके जो गुरु जी का नित सुमिरन करते हैं। उनके जो गुरु जी का नित सुमिरन करते हैं। जो गुरु जी का नित सुमिरन करते हैं। बिना तेरे नहीं कोई आरजू, बिना अब तेरे नहीं कोई आरजू। कि साहिल भी तू, कि माझी भी तू ही तू। कि साहिल भी तू, कि माझी भी तू ही तू। कुर्बान तेरे जामा, कुर्बान तेरे जामा, कुर्बान तेरे जामा हो, कुर्बान तेरे जामा। जिंद अपनी जान अपनी हो, जिंद जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जो ग्राउंड फ्लोर पर मरीज बैठे हैं, बाहर से आए हैं हॉस्पिटल से, उन्हें ये पेपर जरूर दे दिए जाए, वो वांझे ना रह जाए। एक बात यहां पर दास स्पष्ट कर दे साथ संगत जी,
कि जो शब्दों का जाप दास कराने जा रहा है, मेरी जगह कोई दूसरा कोई भी बैठा होगा ना, आप में से भी कोई, तो भी ये वही चमत्कार करेगी जो मेरे बोलने से होने वाला है। कहने का भाव ये इसलिए देह अरोग नहीं होगी हमारी क्योंकि ये मैं करा रहा हूँ, ये इसलिए होगी क्योंकि ये गुरबाणी की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे पास कई लोग आते हैं कि हमारी देह अरोग हो जाएगी ना, हम आएंगे यहाँ पर, तो मैंने कहा मेरे कहने से नहीं होगी, ये आपकी भावना से होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसी जैसी भावना तैसा तैसा फल। गुरु मेहर करे हमें सुनने की, मन जोड़कर जपने की सुमत बख्शे, कृपा करे। आओ अब मन बिरत्या एकाग्रचित कर लीजिए, पीठ सीधी कर लीजिए, सावधान हो जाइए बिल्कुल, और सेवादारों से बेनती किसी भी प्रकार का शोर ना होने दे, किसी भी प्रकार का। गुरु मेहर करे कि बिल्कुल मन एकाग्रचित हो जाए। गुरु नानक पातशाह मेहर करके हमारा मन अपने चरणों से जोड़ ले। मेरे देह में भी रोग है, इसकी देह में भी रोग हैं, ये भी बीमार हैं, हम सब बीमार हैं, किसी को छोटी बीमारी किसी को बड़ी। गुरु मेहर करें, गुरु नानक मेहर करें, तक की नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गुरु नानक की मेहर के बिना हो सकता है? इतनी संगत रात को जुड़ी बैठी है संगत में, सत्संगत में, ये गुरु नानक की मेहर है यहाँ पर विशेष। आओ सब मिलकर पढ़े धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहले 13 बार मूल मंत्र का जाप, फिर उसके बाद इन शब्दों का जाप। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप
आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह अंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह अंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह अंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह अंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच धन गुरु नानक 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 बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे गुरबाणी कहे गुरबाणी कहे सेवक जन माने सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे तीने ताप तीने ताप निवारण हारा निवारण हारा दुख हंता दुख हंता सुख रास सुख रास तीने ताप निवारण हारा निवारण हारा दुख हंता सुख रास सुख रास ताको बिघन ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास ताको बिघन ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास तीने ताप निवारण हारा दुखहंता सुखरास ताको विघन ना को लगे जाके प्रभु आगे अरदास प्रभ आगे अरदास मलार महला चौथा मलार महला चौथा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार 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 हे समरथ अगम पूरन मोह माया धार
मोह माया धार, मोह माया धार, अंधकूप अंधकूप, महापयान महापयान, नानक पार उतार, 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 नानक पार उतार। बाणी गुरु, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु है बाणी, विच बाणी, विच बाणी, अमृत सारे, अमृत सारे, विच बाणी, विच बाणी, अमृत सारे, अमृत सारे, गुरबाणी कहे, गुरबाणी कहे, सेवक जन माने, सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, कोर दुख्यं, कोर दुख्यं, अनिक हत्यं, अनिक हत्यं, जन्म दारिद्रं, जन्म दारिद्रं, महाविख्यातं, महाविख्यातं, कोर दुख्यं, कोर दुख्यं, अनिक हत्यं, अनिक हत्यं, जन्म दारिद्रं, जन्म दारिद्रं, महाविख्यातं, महाविख्यातं, मिटंत सगल, मिटंत सगल, सिमरंत हर नाम, सिमरंत हर नाम, नानक जैसे, नानक जैसे, पावक कासट, पावक कासट, पसमंग करोत, पसमंग करोत, नानक जैसे, नानक जैसे, पावक कासट, पावक कासट, पसमंग करोत, पसमंग करोत। घोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत। पौड़ी पौड़ी लल्ला लावो, लल्ला लावो, औखद जाहु, औखद जाहु, दुख दर्द, दुख दर्द, तह मिटह खिनाहु, तह मिटह खिनाहु, दुख दर्द, दुख दर्द, तह मिटह खिनाहु, तह मिटह खिनाहु, दुख दर्द, दुख दर्द, तह मिटह खिनाहु, तह मिटह खिनाहु, नाम औखद, नाम औखद, जह हृदय हितावे, जह हृदय हितावे, ताहे रोग, ताहे रोग, सुपने नहीं आवे, सुपने नहीं आवे, हर औखद, हर औखद, सब घट है भाई, सब घट है भाई, गुर पूरे बिन, गुर पूरे बिन, विध ना बनाई, विध ना बनाई, गुरपुरे, गुरपुरे, संजम कर दिया, संजम कर दिया, नानक तौ फिर, नानक तौ फिर, दुख ना थिया, दुख ना थिया, नानक तौ फिर, नानक तौ फिर, दुख ना थिया, दुख ना थिया, नानक तौ फिर, नानक तौ फिर, दुख ना थिया, दुख ना थिया। बाणी गुरु, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु है बाणी, विच बाणी, विच बाणी, अमृत सारे, अमृत सारे, गुरबाणी कहे, गुरबाणी कहे, सेवक जन माने, सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, सलोक सलोक, दीन दर्द दुख पंजना, दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, नानक के प्रभ साथ, शरण तुम्हारी आयो, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, नानक के प्रभ साथ, दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो
चरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभु साथ शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभु साथ भैरव महल्ला चौथा उठत सुखिया बैठत सुखिया भाव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी सगल घटा का अंतर जामी रहाओ। सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तनता घर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया घर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे एक आस हर मन रखो एक आस राखो मन माहे एक आस राखो मन माहे एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे एक आस राखो मन माहे राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जा। सोरठ महल्ला पंजवां गए कलेश रोग सब नासे प्रभ अपने कृपा धारी आठ पहर आराधो स्वामी पूरन घाल हमारी हर जियो तू सुख संपत रास हर जियो तू सुख संपत रास राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आ गए अरदास राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आ गए अरदास जो मांगो सोई सोई पावो अपने खसम भरोसा
भरोसा अपने खसम भरोसा अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरपूरा भेटियो गुरपूरा भेटियो मिटियो सगल अंदेशा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे अनेक उपावी रोग ना जाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद लाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद राग बिलावल महला पंजवा दुपदे कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी कर्मया गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी कर्मया बाहां पकड़ प्रभ काट्या कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे गुरपूरे कृपा करी काट्या दुख रोग गुरपूरे कृपा करी काट्या दुख रोग मन तन शीतल सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग मन तन शीतल सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग गुरपूरे कृपा करी काटिया दुख रो
मन तन मन तन शीतल मन तन शीतल सुखी भया प्रभु ध्यावन जो बिलावल महला पंजवा बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया रोग मिटाया आप प्रभु आप प्रभु रोग मिटाया आप प्रभु आप प्रभु उपजा सुख शांत उपजा सुख शांत वड प्रताप अचरज रूप हर कीन्ही दात हर कीन्ही दात गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई राख्या मेरा भाई राख्या मेरा भाई राख्या मेरा भाई हम तिसकी शरणागति शरणागति जो सदा सहाई जो सदा सहाई हम तिसकी शरणागति शरणागति जो सदा सहाई जो सदा सहाई रहाओ रहाओ बिरथी कदे ना हो वही बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास बिरथी कदे ना हो वही बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास पूरन गुणतास पूरन गुणतास पूरन गुणतास वाणी गुरु गुरु है वाणी विच वाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे सोरठ महला पंजवा सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया फल पाया सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया सगला दुख मिटाया सगला दुख मिटाया सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया मन इच्छे फल पाया मन इच्छे फल पाया सोरठ महला पंजवा
सोरठ महला पंचमा बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर 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 सगले रोग बिदारे सगले रोग बिदारे गुरपुरे की सरणी उबरे कारज सगल सवारे हर जन सिमरिया नाम आधार हर जन सिमरिया नाम आधार ताप उतारिया सतगुर पूरे अपनी कृपा धार अपनी कृपा धार रहाओ सदा आनंद करे मेरे प्यारे सदा आनंद करे मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया वड़ी वड़ियाई नानक करते की वड़ी वड़ियाई नानक करते की साच शब्द सत भाख्या साच शब्द सत भाख्या साच शब्द सत भाख्या धन गुरु नानक सत श्री अकाल धन गुरु नानक दास तो हाथ जोड़कर बेनती करेगा कि इन शब्दों का जाप हर रोज किया करो। हर रोज जब ये सीडी बन जाए तो इन शब्दों को सोते समय अपने पास लगाकर सुना करो। ये एक दिन का नहीं, 5 दिन का है। ये महापुरुषों के वचन है, 5 दिन। ये कोई इस प्रकार जिस प्रकार से आज सबने मन वृत्तियाँ एकाग्रचित करके सुना है, गाया है, गाविए हैं, सुनिए, मन रखिए भाव, इस प्रकार सुन लेंगे गुरु मेहर करेगा हम सबके तन मन और आत्मा तीनों आरोग्य हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ना, तीने ताप निवारण हारा। तीन प्रकार के ताप होते हैं, एक तन के रोग, एक मन के रोग और एक आत्मा के रोग जो जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा को लगे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तीनों प्रकार के रोग मिट जाएंगे गुरु नानक की अगर नजर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके नजर पाने का तरीका क्या है? गाविए, सुनिए, मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाए। धन गुरु नानक। आइए अब दो पंक्तियां पढ़ें और समाप्त। दुख पर हर सुख घर ले जाए।